ऑडियंस के लिए मैसेज बस आप जिस तरीके से कारवाने गज़ल को प्यार कर रहे हैं, प्यार करते रहिए। और हम क्या कहेंगे एक्चुअली, अगर हम कहें भी तो मानेंगे थोड़ी आप लोग, तो इसलिए आप कर रहे हैं ये, इसका मतलब आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लाइक कर रहे हैं, तो ऐसे ही लाइक करते रहिए। म्यूज़िक जिसने गज़लों से जो इंसान महरूम रह गया हो, जो अछूता रह गया, वो बहुत बदनसीब होगा म्यूज़िक का लवर, क्योंकि आजकल के लोग वाकई में बहुत कम म्यूज़िक सुन पा रहे हैं। इतना सा म्यूज़िक सुनते हैं, इतना मैंने बहुत सुन लिया थैंकफुली। मैंने इतनी मतलब शायद वो ज़माना भी ऐसा था और हमारे आसपास का इन्फ्लुएंस ऐसा था कि हम लोगों ने भजन भी सुन लिए, गज़लें भी सुन ली, क्लासिकल भी सुन लिया, सेमी क्लासिकल भी सुन लिया। तो वैसे ही गज़ल जो है ये एक आर्ट फॉर्म, ऐसा वाला आर्ट फॉर्म है कि अगर आप जैसे मैं गाना गाता हूँ, इसका मतलब अगर मुझे बोलते हैं गज़ल गाओ, तो इसलिए कि मैं गा सकता हूँ। हाँ, मैं इन्जॉय करता हूँ और मैं इसको सुनता भी, समझता भी हूँ काफ़ी, लेकिन गज़ल गाना एक स्वभाव की बात है। यू हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड फॉर एवर, वो आपका एक एटीट्यूड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गज़ल गा सकते हैं, कोई भी गा सकता है, गा सकते, कोई भी गा सकते हैं, पर ऑथेंटिकली उसके साथ में पूरा जस्टिस करना, मेरे हिसाब से गज़ल एक बहुत ही रॉयल किस्म का आर्ट फॉर्म है। और कारवाने गज़ल के माध्यम से आप इस रॉयल म्यूज़िक के फॉर्म को, आर्ट फॉर्म को इन्जॉय कर पा रहे हैं।